आज का ये वीडियो होने वाला है मेरा केदारनाथ ट्रिप के बारे में, जिसमें मैंने एक्सपीरियंस किया 7 दिनों का ट्रिप। मैंने बाइक चलाई लगभग 3000 किलोमीटर, मैंने पहाड़ों को देखा, मैंने रास्तों को देखा, मैं होटल में स्टे किया, बाहर का खाना खाया, और कुछ गलतियां जो मैंने की, ऐसी गलतियां जो अगर आप केदारनाथ जाते हो तो आप वो गलतियां नहीं करोगे तो आपका सफर और भी सुहाना हो जाएगा। वैसे तो गलतियां की, फिर भी मेरा सफर बहुत ही ज्यादा सुहाना था। कुछ ऐसी चीजें जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं की थी वो भी मेरे साथ हुई, तो सफर का जो मजा था वो बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, और मैं उस सफर में इतना डूब गया कि मेरा वहां जाने के बाद घर आने का मन नहीं हो रहा था। और इतना सुहाना सफर मैंने अपनी लाइफ में पहली बार किया। तो मैं आपको बताऊंगा मेरा पूरा एक्सपीरियंस, अगर आप केदारनाथ जाते हो तो वहां आपको कौन सी गलतियां नहीं करनी है, और एकदम कम बजट में आप वहां पूरा केदारनाथ एक्सप्लोर कर सकते हो, और क्या होगा सही टाइम वहां जाने का। सबसे पहले मैं शुरू करता हूं मेरे पहले दिन की स्टोरी। मेरा पहला दिन था जब मैं केदारनाथ जाने वाला था, उससे एक दिन पहले का दिन था। ये सुनाना थोड़ा सा जरूरी है क्योंकि लाइफ में ये चीजें सभी के साथ होती हैं। मैंने प्लान किया केदारनाथ जाना है, मैंने दयाशंकर और मेरे कुछ फ्रेंड्स थे उनसे बात की, तो दयाशंकर ने बोला मैं आपको केदारनाथ में मिल रहा हूँ, आप आ जाओ। फिर मैंने अपने फ्रेंड से पूछा जो हम लोग बचपन से साथ में रहते हैं, तो उनसे भी पूछा। उन लोगों का मूड नहीं था जाने का कि भाई हमारा कोई प्लान नहीं है अभी जाने का, तो मैंने कहा ठीक है भाई मैं कल सुबह 7 बजे निकल जाऊंगा। और मैंने कुछ भी नहीं सोचा कल अगली सुबह 7 बजे, क्योंकि मैं कमिटमेंट कर चुका था कि मैं कल सुबह 7 बजे निकल जाऊंगा। अगर मैं नहीं जाता तो थोड़ा सा फील होता मुझे, दोस्त हैं दोस्तों कुछ नहीं बोलते, बाकी मैं कमिटमेंट कर चुका था। तो मैं सुबह 7 बजे बाइक उठा के घर से निकल पड़ा। घर से निकलते ही मुझे फील हुआ कि मेरी बाइक के आगे नंबर प्लेट नहीं है, और जो बाइक है वो मेरे नाम पे रजिस्टर्ड नहीं है, वो मेरे जीजू की बाइक थी। तो ये सब चीजें फील होने के बाद में मुझे डर लगा, लेकिन ये डर कब तक लगा वो भी मैं अभी आपको बताता हूँ। जैसे ही मैं निकला और सुबह 7 बजे से मेरा सफर शुरू हुआ, तो सुबह 7 से तो रात को 8 बजे तक मैंने भोपाल से लगभग 500 किलोमीटर के समथिंग बाइक चलाई और मैं मथुरा पहुंच गया। रात हो चुकी थी, मुझे ठहरना भी था, रात में बाइक चलाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता मेरे लिए क्योंकि पूरा दिन मैं कंटिन्यू बाइक चला रहा था। मैं मथुरा में नाइट में स्टे किया, और नाइट में स्टे करने के बाद सुबह 6 बजे मैं वापस मथुरा से निकला और लगभग 2-2.5 बजे मैं हरिद्वार पहुंच गया। हरिद्वार पहुंचने के बाद मुझे मिला वहां मेरे फ्रेंड राघव, जो कि एक यूट्यूबर है। हम लोग पहले कभी मिले नहीं थे, हमारी पहचान सिर्फ ऐसे ही थी, वो मेरे चैनल के ऊपर कमेंट करते थे, मैं उनके चैनल के ऊपर कमेंट करता था। तो वहां से मैं राघव के साथ उस रात मैंने हरिद्वार में स्टे किया, क्योंकि 3 बज गया था। वहां से हम लोग निकलते तो होटल का जो पैसा है वो हमारा पे हो चुका था हरिद्वार का, तो राघव ने बोला क्यों ना आज रात यहीं रुका जाए और सुबह से निकला जाए। तो मैं हरिद्वार रुका लगभग 2:30-3 बजे पहुंचने के बाद, और मेरा एक्सपीरियंस वहां भी एकदम नया था, एकदम नए इंसान के साथ में रुक रहा था। लेकिन धीरे धीरे हम लोगों में बातें हुई, रात को जब हम लोग साथ में रुके तो हम लोगों ने एक दूसरे को समझा, और फिर अगली सुबह से हम लोगों ने ट्रिप स्टार्ट कर दिया। हरिद्वार से हम निकले और हम लोग पहुंचे गुप्त काशी। हम लोगों का प्लान था हरिद्वार से निकलने के बाद हम सीधा पहुंचेंगे केदारनाथ, क्योंकि वहां से केदारनाथ की दूरी ज्यादा नहीं थी जितना मैं घर से निकला था, जो आपको बताया कि मैं घर से निकला 6-7 बजे और मथुरा पहुंच गया, इतनी ही दूरी थी लगभग। तो मैंने सोचा आराम से हम पहुंच जाएंगे, लेकिन वहां के घुमावदार रोड ने हमारी बिल्कुल नहीं चलने दी, और हम केदारनाथ के जहां सोनप्रयाग तक का हमारा टारगेट था वो हमारा
हो पाया गुप्त काशी, जो कि सोन प्रयाग से लगभग 60 से 70 किलोमीटर की दूरी पर था। और यहाँ भी मुझे लग रहा था कि हम 1 घंटे में पहुंच जाएंगे, लेकिन राघव ने बोला कि भाई जब हम लोग इधर 150-200 किलोमीटर पूरा दिन बाइक चलाने के बाद पहुंच पाए हैं, तो 60 किलोमीटर चलने में लगभग 2.5 से 3 घंटा लग जाएगा, क्योंकि रोड बहुत ज्यादा घुमावदार, रोड कच्चे और वन वे रोड थे, ताकि जिसकी वजह से कई जगहों पे हमें परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। लगभग आधे आधे घंटे तक हम लोगों को ट्रैफिक जाम में फंसना पड़ रहा था, लेकिन सामने का जो व्यू था, हमारे गुप्त काशी से निकलते ही बर्फ का पहाड़ हमें नजर आ रहा था, जो कि 50-60 किलोमीटर दूर था, और हम लोग गुप्त काशी से निकल पड़े। गुप्त काशी से निकल के हम पहुंचे सीधा सोन प्रयाग, वहां हमने बाइक पार्क की और वहां हमने अपने बैग वगैरह जमा किए, और 11-12 बजे के लगभग हम लोगों ने चढ़ाई शुरू कर दी गौरी कुंड से। गौरी कुंड में गर्म पानी होता है, अगर आप जा रहे हो तो वहां जाकर नहाना बिल्कुल भी अवॉइड मत करना, क्योंकि वो एक्सपीरियंस मेरी लाइफ का सबसे अच्छा एक्सपीरियंस था। तो गुप्त का सॉरी गौरी कुंड में हम लोग नहाए, और गौरी कुंड से नहाने के बाद हम लोगों ने चढ़ाई शुरू की। हम लोगों ने चढ़ाई शुरू की लगभग 1 से 1.5 बजे, और हम लोग रात को 8 बजे तक बेस कैंप या फिर केदारनाथ के ऊपर जहां मंदिर पे होटल्स हैं वहां तक नहीं पहुंच पाए। तब हम लोगों को वहां स्टे करना पड़ा बीच में, तो हम लोगों ने बीच में स्टे किया, और फिर अगली सुबह हम फिर निकल पड़े। और सुबह जब हम निकले तो सामने का नजारा बहुत ही बढ़िया था, जो देखकर दिल को बहुत ही ज्यादा सुकून, शांति, और जो 4 दिनों तक बाइक चलाई कंटिन्यू, वो पूरी थकान दूर हो गई। पैदल चलना सब कुछ, मतलब सब कुछ अच्छा लगने लगा। फिर हमने वहां से चढ़ाई की, मंदिर तक पहुंचे, मंदिर का व्यू देखा, मंदिर के पीछे का व्यू देखा, बहुत ही ज्यादा अमेजिंग था, मन मोह लेने वाला था। और वहां हम लोगों ने फिर स्टे किया। हमारा प्लान बना कि एक दिन और हम लोग सुबह से मंदिर के पास ही रुकने वाले हैं, तो हमने पूरी नाइट वहां स्टे किया। और सुबह 6 बजे उठकर जब हम बाहर आए और सूरज की पहली किरणें जब मंदिर के पीछे वाले पहाड़ के ऊपर पड़ती हैं, तो वो बर्फ का पहाड़ बिल्कुल चांदी की तरह चमकता है, और वो दृश्य देखने लायक होता है। 6 से 10 तक हम लोग वहीं रुके, जैसा कि मैं बता रहा था कि केदारनाथ में मुझे दयाशंकर भी मिलने वाले थे, तो वो भी वहां आ गए, और वो व्यू देखकर वो भी बड़ा खुश हो गए। और हम सब दोस्त साथ में रहकर वहां का व्यू देख रहे थे, नजारे देख रहे थे, और वादियों का मजा ले रहे थे। फिर हम लोगों ने 10-11 बजे वहां से उतरना शुरू किया, और उतरते टाइम भी बहुत ही ज्यादा मजा आया, क्योंकि रात के टाइम जो चीजें हम नहीं देख पाए थे वो चीजें हम उतरते टाइम देख पा रहे थे। और एडवेंचर के लिए हम लोग जो मेन रोड था वहां की जगह हम लोग पतले रास्ते से जा रहे थे, जो कि बहुत ही ज्यादा अमेजिंग था। वहां का भी हमें पूरा पूरा मजा आ रहा था, सामने ग्रीनरी, पहाड़, बर्फ, नदी, ये सब चीजें एक साथ मिलकर जो कॉम्बिनेशन बना था, देखकर बिल्कुल दिल खुश हो गया था। हम लोगों ने वहां पे 3, 3.5 या 4 घंटे में जो है हम लोग पूरा नीचे तक आ गए थे। 4.5 भी नहीं, शायद सॉरी लगभग 6 घंटे हमें लग गया था, शाम हो गई थी। तो शाम को हम वहां से निकले, और हम लोगों ने टारगेट बनाया कि हम सोन प्रयाग में जाकर रुकते हैं, लेकिन हम लोगों ने 10-11 बजे तक बाइक चलाई और हम रुद्र प्रयाग आकर पहुंच गए। ये पूरी स्टोरी मैंने कवर की है, हर एक वीडियो का अलग अलग पार्ट है, अगर आप वो देखना चाहते हैं तो ये वीडियो जब खत्म होगा तो मैं प्लेलिस्ट डाल दूंगा, यहाँ आपको शो हो जाएगी, उस पर क्लिक करना, आपको पूरी सीरीज मिलेगी, और आप पूरा एक्सपीरियंस खुद हमारे वीडियो देखकर कर सकते हो। तो ये हमारा एक्सपीरियंस था, लगभग 7 दिन में मैं वापस घर आ गया। और मैं आपको बताता हूं, यहां पर जो मेरा बजट टूर जो था वो बहुत ही कम था, जो मेरा बजट लेके मैं निकला था वो बहुत ही कम था। मेरा बजट 10,000 के अंदर में लेकर निकला था, लेकिन 10,000 भी मेरा वहां पे खर्च नहीं हुआ, लगभग 7,000 रुपये में मेरा काम हो गया, जिसमें से मेरा बाइक का खर्चा 3,500 रुपये तो पेट्रोल और बाइक का ऑयल, और जगह जगह पर मैंने जो है बाइक के ब्रेक वगैरह टाइट करवाए, चैन में ऑयल वगैरह डलवाया, हर 300-400 किलोमीटर चलने
करने के बाद कि बाइक कहीं प्रॉब्लम ना करे। तो इन सब में मेरा 3,500 रुपये का खर्चा था। उसके बाद वहाँ होटल में रहने का खर्चा मुझे मथुरा में थोड़ा एक्सपेंसिव लगा। मथुरा में मैं लगभग 500-600 रुपये में रुका था। उसके अलावा जब केदारनाथ में पहुंचा तो वहाँ पर इजिली हम लोग 4 लोगों का 600-800 रुपये में स्टे हुआ, तो बहुत ही वहाँ पर सस्ता मिला हमें। खाने को भी वहाँ पर बहुत सस्ता मिला, जैसे कि वहाँ 150 रुपये थाली मिलती है जिसमें रोटी सब्जी दाल चावल हमें मिले, जो कि अनलिमिटेड आप जितना खा सकते हो खा लीजिए। और वहाँ पर अगर आप ये सोचकर जाते हो कि भाई वहां जाकर हमें कुछ एक्सपेंसिव चीजें जैसे कि बर्गर डोसा पिज्जा वगैरह खाना है, तो ऐसा वहां कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि पहाड़ी के ऊपर ये चीजें पहुंचाना बहुत मुश्किल हो जाता है और वहां पर सिर्फ जरूरत की चीजें ही वो लोग पहुंचाते हैं। चाय वहां पर थोड़ी महंगी मिलती है, बाकी आपको खाने पीने का सामान 150-200 रुपये में मिल जाता है, जो कि काफी फ्रेश होता है, आपके सामने ही बनाया जाता है और सामने ही आप उसे खा रहे होते हैं। और बाहर का आप जो व्यू देख रहे होते हैं बहुत ही ज्यादा सुंदर होता है, तो आपको खाने में कुछ भी वहां मिले आपको अच्छा ही लगने वाला है, क्योंकि पूरा दिन आप पैदल चलते हैं। अगर आप बाइक से जा रहे हैं तब भी थकान होगी, बस या ट्रेन से जा रहे हैं तब भी आप परेशान हो जाते हैं, थकान हो जाती है, और उसके बाद खाने को जो मिलता है ना उसका मजा ही कुछ और होता है। तो ये सब चीजें मैंने एक्सपीरियंस की वहां पे, और मेरा टूर बजट भी बहुत कम था, लगभग 7,000 रुपये में मैं 3,000 किलोमीटर बाइक भी मैंने चलाई, जो कि मेरे लिए बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। और सबसे बड़ी गलती जो मैंने की, बाइक के ऊपर ना तो नंबर था ना बाइक मेरी थी, तो वो गलती आप कभी मत करना। मैं बस सुबह रात को मूड बना, सुबह मुझे जाना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे दिल में ऐसी भावना थी कि जाना ही है, इसलिए मैं चला गया। लेकिन अगर आप जा रहे हो तो थोड़ा सा पहले प्लान कर लो, मेरी तरह ऐसी बेवकूफ़ी ही बोलूँगा मैं कि भाई मैंने बेवकूफ़ी की, तो ये बेवकूफ़ी आप मत करना, क्योंकि ये हो सकता है आपके लिए भारी पड़ सके और हो सकता है मेरे लिए भी वो भारी पड़ जाती। लेकिन मैं सेफ घर आ गया, ये मेरा गुड लक था शायद। लेकिन आप लोग जो है इन सब चीजों का जरूर से ध्यान रखना, और केदारनाथ जा रहे हो तो भाई मैं कहूंगा आपसे कि आप लोग जो है नवंबर में, बोलते हैं कि नवंबर में बंद हो जाता है, नवंबर से अप्रैल तक, तो अप्रैल के बाद आप जा रहे हो तो ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि आप सितंबर और अक्टूबर में जा सकें। अक्टूबर के 15 अक्टूबर के बाद भी अगर आप जाएंगे तो बहुत ही बढ़िया व्यू मिलने वाला है, क्योंकि ठंड वहां पर बहुत ज्यादा हो जाती है और फिर बहुत ही ज्यादा मजा आता है। तो उम्मीद कर रहा हूं आपको मेरे द्वारा दी गई ये छोटी मोटी इंफॉर्मेशन काम में आ जाएगी, तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और अभी भी आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे जरूर पूछ लो, मैं आपको जरूर से जवाब दूंगा। या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम भी कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, जहां मैं पर्सनल आपके सभी सवालों के जवाब दे सकता हूं और आपके इस ट्रिप में कुछ ना कुछ मदद कर सकता हूं। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आएगा, तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दो। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दो।